मैं हूँ आपके साथ तन्वी सूद। बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि फिल्में रिलीज होते ही इंटरनेट पर लीक हो जाती हैं। बीते दिनों रजनीकांत की काला और रणबीर की संजू भी रिलीज होते ही लीक हो गई थी। उस टाइम काफी सारे लोग फिल्म के सपोर्ट में आए थे और पैरिसी के खिलाफ जमकर बोले भी थे, लेकिन लगता है इन सब से कुछ फायदा नहीं होगा। अब लीजिए बॉलीवुड एक्टर सनी लियोनी की बायोपिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है। दरअसल हाल ही में सनी की बायोपिक को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था, लेकिन ये रिलीज के एक हफ्ते के अंदर लीक भी हो गई। बता दें कि सनी लियोनी की फिल्म करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी में उनके बचपन से लेकर अडल्ट मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपने तक के सफर को दिखाया गया है। बताया जा रहा था कि पहले सनी की बायोपिक को फिल्म के तौर पर रिलीज किया जा रहा था, लेकिन बाद में सनी लियोनी ने अपनी बायोपिक को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला किया था। बता दें सनी लियोनी ने पूजा भट्ट की फिल्म जिस्म 2 से बॉलीवुड में कदम रखा था। सनी ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक आइटम सॉन्ग किए हैं, जिनमें बेबी डॉल, पिंक लिप्स, लैला ओ लैला, ट्रिपी ट्रिपी जैसे सॉन्ग शामिल हैं। वेल, देखना तो अभी इंटरेस्टिंग रहेगा कि लीक होने के बावजूद भी सनी लियोनी की बायोपिक फैंस को कितनी पसंद आती है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।